She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that she'll take it into her sight. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं बाहर, आज कल लोग करते हैं स्टार्ट। तो आज लंच में कुछ बनाया नहीं था, तो फिर यही सोचा चलें बाहर चलते हैं। बच्चे भी काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए थे घर बैठ बैठ के, तो हम जा रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं, हमारे पास सबके पास मास्क है, और काइना ने अपना मास्क यूज कर दिया। अच्छा, और काइना को यही डर लगा हुआ है कि मुझे पुलिस पकड़ लेगी क्योंकि इसके पास मास्क नहीं है। तो एक बार चली गई है बेटा, रोड पे चली जाएगी, आ जाओ, नहीं लेके जाती आपको पुलिस। और ये तैयबा जा चुकी है गाड़ी में, चलो आप भी चलो, बैठो जल्दी से जी। तो हम गाड़ी में आकर बैठ चुके हैं, और काइना को भी मिल चुका है उसका मास्क। तो अब काइना को पुलिस नहीं लेके जाएगी क्योंकि काइना ने ग्लव्स भी पहने हुए हैं, और काइना के पास मास्क भी है ना। तो आज हम लोग जा रहे हैं फनातीर के एरिया में दोबारा से। तो वहाँ पे बहुत ही यानी कि फेमस है ग्रिलो रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे तकरीबन यही हिसाब लगा लें, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने अगर सोदिया में सुना हो अलबैक के बारे में, तो फनातीर में ग्रिलों का यही तकरीबन हाल है। वहाँ पे इसी तरह से लाइन लगी होती है आपको ऑर्डर मिलना, और अगर आप फैमिली सिटिंग के लिए भी जाते हैं तो आपको कितनी कितनी देर क्यू में लगना पड़ता है। और इसी तरह से आपको फिर उसके बाद आपकी बारी आती है, आप लकी होते हैं, मतलब खास तौर पे नॉर्मल डेज में तो फिर भी आपको कम इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन अगर वीकेंड हो तो फिर तो बस घंटा घंटा डेढ़ घंटा आपको क्यू में लगना पड़ता है, और फिर आपको कोई टेबल मिलती है अगर लकी हैं आप तो। वरना डिनर के लिए आप सोच के जाएँ तो आप मगरिब के टाइम ही निकले तो आपको मतलब 8 बजे तक या डिनर टाइम पे शायद आपको मिल जाए। लेकिन वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है, और ज़्यादातर मतलब है किस टाइप की कुजीन है, मतलब फास्ट फूड की कुजीन ही है, अरबिक स्टाइल में है। लेकिन वहाँ पे शवारमा, बर्गर और कब्जा सूप, मतलब मिक्स ही है सब कुछ, मतलब ज़्यादातर फास्ट फूड भी है और इस तरह से। लेकिन वहाँ जिस तरह से रश लगा होता है, और सोच आपकी जिस तरह अलबैक पे रश लगा होता है, इसी तरह वहाँ पे भी इस तरह से रश लगा होता है। क्या पहनो ना इसको, सही तरह चलो, सही बात, हेल्प लेती है मम्मा की। तो आज चले फिर आप हमारे साथ, देखिए आज ग्रिलों को विज़िट करते हैं, तो आपको दिखाते हैं वहाँ के मज़े मज़े के खाने। फ्रेंड्स, तो हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, ये है ग्रिलो रेस्टोरेंट। हम लोगों ने इसकी फैमिली एरिया सेक्शन में जाना है, तो हम बैक साइड से जाएंगे। उस साथ में बास्केट रोबिन, और ये प्लाजा है जहाँ पे रेस्टोरेंट है, और ये उसकी बैक साइड है जहाँ पे रेस्टोरेंट की पार्किंग है और फैमिली सिटिंग एरिया है। तो नहीं आगे इसके साथ ही ब्रेड टाइप का भी है, तो जाके वेटिंग एरिया में बैठ गई है। लेट्स गो काइना, कम इनसाइड, चलो आ जाओ काइना।
ये देखें, ये है इनका सिटिंग एरिया। आज तो तकरीबन सारा ही खाली है, जहाँ नहीं अभी जहाँ जहाँ ये पर्दे बंद हैं तो मतलब वो फैमिलीज बैठी हुई हैं। चलो तैबा आगे बैठो, चलो कायना आगे हो जाओ, कर तैबा हाँ चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ जी, ये तैयार कायना और ये आ गया मेन्यू। तो अब हम और ये तैयार ने वो मांस उतार के रखे, तो बस बहुत हो गए। नहीं 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 नहीं, ग्लव्स नहीं उतारने, अभी ग्लव्स नहीं उतारने बेबी, नो तैयार, डोंट रिमूव योर ग्लव्स, बस बस थोड़ा नीचे कर दो, ठीक है। फ्रेंड्स हमने ऑर्डर कर दिया है, हमने मंगवाया है ये ग्रिल चिकन स्मॉल, एक ये तैयबा के लिए और साथ में एक चिकन शवारमा मंगवाया है लार्ज, और कायना ने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा वो भी मार्गरीटा पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा एक स्मॉल मार्गरीटा पिज़्ज़ा किया है इसके लिए, और साथ में तो ड्रिंक हो गई और पानी वगैरह। तो देखिए अब कितनी देर में हमारा ऑर्डर आता है, तो फिर आपके साथ फिर हम शेयर करते हैं। यस कम इन, ये हमारा ऑर्डर आ गया है, ये है ग्रिल चिकन शवारमा। नो तैबा कमर, ये इसको जरा सही कर लेना, वो जिस तरह बोल रही थी वो सही नहीं पड़ी थी। और कायना का पिज्जा कहाँ है, पिज्जा कायना का पिज्जा नहीं आया, ओहो ओ कायना को वेट करना पड़ेगा। ये आ गया तैयबा का ऑर्डर, माय बेबी मेरा बच्चा। हाँ जी हम लोगों का आ गया, आप अल्लाह पाक से दुआ करो ना, सब्र करो, आप शरारते करते हो ना तैयबा, भी देखो चुप करके बैठी हुई, उसका अल्लाह पाक ने जल्दी भेज दिया। ये देखे तैयबा कैसे खाना खा रही है, इसको बेचारी को नाइफ मिली नहीं है और उसे फोक को पकड़ा है फौरन। बिस्मिल्लाह तैयबा से, बिस्मिल्लाह तैयबा से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओ तैयबा वेट करो, न्यू लेते हैं तैयबा, वेट ये लो न्यू ले लो, ठीक है।
हाँ जी बेबी, आपने शरारतें की है ना, इसलिए आपका जो सर। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तैबा की स्ट्रगल, मुझे वो नहीं चाहिए। तैबा आप वही वाला ले लो, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा कमर ये। अच्छा चलो मेहनत करो। मुझे ये बस फ्राइज चाहिए केचप के साथ। ये देखिए कितने मजे मजे के इनके होते हैं कंटेनर्स, उसमें डाल के ये देते हैं। मजा आ गया कायना को, मजा आ गया। हाँ मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ये आपको बहुत अच्छा। बाबा बेबी को खाना खिला ले हैं, बाबा बेबी को खाना खिला ले हैं। ओके जी, ये आया है ये ग्रिल चिकन के साथ ब्रेड, जो कि हमें खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तैबा ऐसे ही खाएगी। तैबा रूखा ही खाती है, तैबा ब्रेड बिल्कुल भी नहीं खाते थे, कोई रोटी या कोई ऐसी चीज़। आप वो इसके ऊपर थोड़े से रख दो ना इसको चिप्स, वो खा ले तब तक। हाँ ये लो, तो मैं पर्दा आगे कर दें, वीडियो फिर आती हूँ। चलो कायना खाओ। ये एक तरह का ये जो बिछाते हैं ना, सफूरा, सफूरा कहते हैं ना इसको अरबी में, सुफरा। हाँ सुफूरा। तो ये बड़ा मज़े का होता है, इसको ये आप प्लेट बना ले। ड्रिंक भी आ गई, बस पिज्ज़ा नहीं आया कायना का। मुझे पिज्ज़ा नहीं चाहिए। हाँ अब कहाँ पिज्ज़ा, अब तो हम रूखी सूखी खा के गुजारा कर लेंगे, है ना। कायना का पिज्जा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इधर ही पड़ी है, इधर ही पड़ी है। बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह। इतना बहुत पिज्जा दे दिया मुझे, तो अब मैं कैसे पीऊंगा? क्या अब मैं कैसे पीऊंगा? देखो तैबा इतनी तमीज से खाती है, इतना शोर भी नहीं करती ना खाते को। तब यम्मी यम्मी यम्मी। ड्रिंक्स भी रेडी हो गई, हॉट इसी तरह, इतना हॉट है धुएं निकल रहे हैं। और तैबा की शुरू की आदत है, तैबा को गरम 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 खाना खाए, जरा खाने का टेम्परेचर जो सा लो हुआ या ठंडा खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाएगी। शुरू से छोटे होते इसको बस आदत पड़ी गरम 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 खाना खाना है। अल्हम्दुलिल्लाह। वांट ड्रिंक? से मम्मा ड्रिंक दे दो, से प्लीज गिव मी ड्रिंक। तैबा से गिव मी ड्रिंक, से गिव मी ड्रिंक। नो से गिव मी ड्रिंक, नो से गिव मी, से गिव मी, से मम्मा गिव मी ड्रिंक। तैबा से गिव मी, से गिव मी ड्रिंक, से गिव मी। वेरी गुड, गुड बेबी। पर तैबा तो अब गुड गर्ल हो गई है, बेबी तो रानी। तैबा बड़ी हो गई है ना। चलो ईट योर फूड। वो गरम है, वो कैसे खाएगी, वो उसको नहीं गरम गरम खाने की आदत। ये देखिए तैबा कायना से पिज्जा ही नहीं खाया जा रहा, क्योंकि वो इतना हॉट है। ये लो कायना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए खाना बिल्कुल फिनिश हो चुका है, तैबा ने भी खा लिया, मैंने और तैबा ने ये खाया। और ये इनका मैंने स्पेशल मंगवाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये इनका ग्रिल ऑनियन और चिलीज। और पिज़्ज़ा भी ख़त्म हो चुका है, तो बस सर अब हम लोग घर को चलते हैं। इनका ये बाहर सिटिंग एरिया भी बड़ा मज़े का है, यहाँ पे ज़्यादातर वेटिंग समझे, ये वेटिंग एरिया ही है। तैबा स्टॉप, डोंट गो बेबी, रोड पे नहीं ऐसे जाते,
वेरी गुड तैयबा, गुड गर्ल। वो देखो कैटो, वो कैना और उसके पापा, कैना को वॉशरूम आ गया था एंड टाइम पे, तो वो तैयबा वो देखो कैटो कैटो तैयबा बेबी। वो कायना आ रही, गीला टिश्यू वाइप्स, गीला टिश्यू वाइप्स कहते हैं उसे। ये ले, ए चलो आप पकड़ लो पैकेट, पूरा पकड़ के बाहर ले जाओ, पैकेट लेके पीछे चल जाओ। चलो बैठो जल्दी से, तैयबा का शुरू हो गया, गो गो गो, और कायना के अभी खत्म ही नहीं हो रहे। चलें जी, हाँ जी घर चले, बस अभी हम लोग घर जा रहे हैं, खाना हमने खा चुके हैं और बहुत मज़ा आया, बहुत दिनों के बाद इस तरह से हमने आउटिंग तो करते रहे हैं कार में बैठ के, ड्राइव हो गए, लेकिन ये होटलिंग हमने बहुत तीन साढ़े तीन महीने के बाद होटलिंग की है। तो ओके फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा ब्लॉग, और लंच रूटीन थी आज की हमारी, और चला तो अब मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, या एक नई लोकेशन जगह के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा, वीडियोस को देखते रहें। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।